रहे हैं अभी तैयार, तो हमको जाना है आज गुवाहाटी एयरपोर्ट, क्योंकि मेरा पापा आ रहे हैं। तो पापा को लेने के लिए हम निकल रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए, तो रेडी हो रहे हैं। फुल रेडी हो गया हम, तो थोड़ा ही देर बाद हम निकलने वाला है। जाके फिर वापस आना है हमको, आज ही वापस आना है। रात को बहुत पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। আমার কি সংযোগ নি বুক নি মাই সানি নি জন্য রিদি রেক্ট টিকিট ছিল পয়সা কাটা নাং টিকিট কে করে গেছ কো টিকিট ঠান্ডা বল তো তো হাম ফিলাল গাড়ি স্টার্ট কর লিয়া আবি জানা হে পেট্রোল ভরনে কে লিয়ে উসকে বাদ নিকলেগা গুয়াহাটি কে হাম পেট্রোল পাম্প পৌঁছ গিয়া পেট্রোল ভরনে কে লিয়ে तो बहुत दिन का बाद ये सुभाष सुभाष को भेंट हुआ है, लेकिन बहुत दुबला हो गया सुभाष जी। तो सुभाष जी पूरा दुबला हो गया, आके वापस आके पूरा दुबला हो गया। तो ये है पेट्रोल पंप में बैठा ही सुभाष जी, ये पूरा घर घर से वापस आके पूरा दुबला हो गया रे, पूरा दुबला हो गया। देखो ये सुभाष जी है, घर गया था वो बिहार, तो वापस आके पूरा दुबला हो गया, ये तो पूरा दुबला हो गया। और घर में खबर सबर बस ठीक है? अच्छा ठीक है। कब आया? कल परसों आया। परसों पूरा मस्ती बात बोल रहे हैं, रख दे में बहुत मस्ती है। और हम लोग का गार्ल्स में तो फेवरेट है ये बेटल नाथ, बहुत तमिल हम बहुत खाता है और अच्छा लगता है जर्नी करने के लिए, अकेला होने से भी कोई गम नहीं होता है। तो ये था जनरल एयरपोर्ट, लेकिन कुछ काम नहीं है। तो रास्ता तो पूरा मस्त है, फिलहाल अंधेरा हो गया तो और थोड़ा बाकी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी अंधेरा हो गया है, अंधेरा सा गया है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से। तो ये चांद निकला हुआ है बहुत ही बढ़िया तरह से, तो हम फिर से दोबारा रुक गया। मैं अभी फिलहाल ये खाने वाला हूँ, तो ये है लीवर फ्राई, तो लीवर फ्राई खाने वाला हूँ अभी भी मज़ा से खा रहे हैं हम। आप लोग भी टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है गेट, तो पापा ऑलरेडी फ्लाइट से निकल रहा है, तो हम भी अंदर घुस रहे हैं अभी। तो मैंने फिलहाल एयरपोर्ट पहुंच गया है, तो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो अभी पापा निकलने वाला है 2-3 मिनट का बाद, तो उसका बाद हम आगे का वीडियो आप लोग को देखा देगा। तो पापा निकल गया अभी इधर, मैंने जब एक छोटा सा खोखरी लेके काटना शुरू किया, उसके बाद हर कोई काटने के लिए शुरू कर दिया, तो बहुत ही अच्छा है। और गेट टुगेदर करने के लिए ऐसा ही चाहिए। ना, 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 ना,
भूखा है बा। तो हाय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात बोलूं मैं, मतलब गेट टुगेदर काम करने से हर कोई आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज रात को मतलब सुबह जब हम गुवाहाटी से वापस आ रहा था एयरपोर्ट से, तो तब मैंने एक चीज़ देखा। तो सबसे पहले ट्रक एंड नाइट बस वगैरह बहुत सारा लाइन था, फिर भी कोई भी गाड़ी में एक छोटा सा गुजर था, तो उससे मैंने काटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हर कोई आ गया, तो आके मेरा सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर पुलिस लोग भी पहुंचा, वो लोग भी काटा, तो उसके बाद हम लोग पूरा वापस आने के लिए मिला। तो ये है एक काम। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर काम में अगर ऐसा रास्ता में कभी दिक्कत हो गया तो हर कोई मतलब गेट टुगेदर काम करके तो हमको सॉल्व करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो सबको धन्यवाद देता हूँ मैं गेट टुगेदर करने के लिए। उसके बाद पुलिस लोग पहुँचा, तो उधर बड़ा बड़ा उधर लेके आया कुराली डाव वगैरह लेके, उसके बाद काट दिया। तो मैं सबसे पहले छोटा सा एक खुकरी बोल रहा है, तो खुकरी से मैंने काटना शुरू किया था, क्योंकि खुद का गाड़ी निकालने के लिए। तो बोले वो काट सकते तो हम वो खुद काट सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, चलो हम लोग भी कर सकते हैं एकजुट होके। तो सब ने सपोर्ट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा, सबको थैंक्स, और बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा करना चाहिए हर समय, क्योंकि रात का समय दिक्कत में बीतना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।